हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लब फैक्ट्री की ऐसी वीडियो होने वाली है जहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जब क्लब फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपके द्वारा कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, और जो कमेंट्स में आप लोग लिख कर बता रहे हो या मुझसे हेल्प मांग रहे हो उसमें किसी भी तरह की आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी गलती है। ठीक है, आपकी खुद की गलती है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट या तो आ नहीं रहा है या आपका पेमेंट वापस नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप किस तरीके की गलतियां करते हैं जहां पर आपका प्रोडक्ट सही समय पर नहीं आता है, और अगर आप पेमेंट रिफंड की बात करते हैं तो वो भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों द्वारा जब प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है तो उसे पसंद नहीं आने पर वापस भी किया जाता है। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और उसे वापस करते हैं, दोनों ही प्रोसेस होते हैं। इनके बीच कुछ ऐसी बातें ध्यान रखनी होती हैं जो कि आपके लिए सही साबित हो, यानी कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो आपके प्रोडक्ट को घर बुलवाने में और वापस करने में। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ध्यान में रखने होते हैं। इनको ध्यान में रखकर ही आपको क्लब फैक्ट्री से प्रोडक्ट ऑर्डर करना होता है और उसे वापस करना होता है। तो हमारा जो अभी का पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप क्लब फैक्ट्री से प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसे ऑर्डर करते हैं तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि आप क्लब फैक्ट्री पर ही वो काम करें, आप हर जगह वो काम कर सकते हैं। तो आपकी पहली गलती ये होगी कि आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्लब फैक्ट्री पर ही कीजिए या नहीं कीजिए, आप कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि आपका पैसा अगर आपको सिक्योर करना है और ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट सारे किसी भी साइट से ऑर्डर करने हो, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, क्लब फैक्ट्री हो, स्नैपडील हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो थोड़ा रिस्की रहता है। और इसके भी कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि हमने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया लेकिन प्रोडक्ट अभी तक घर नहीं आया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको पेमेंट ऑनलाइन नहीं करना है, ताकि अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रहता है, आप मेंबरशिप ले लीजिए। ठीक है, मेंबरशिप लेकर आप 3 महीने तक वहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। क्लब फैक्ट्री ऐसी साइड है जहाँ पर आपको शिपिंग चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट का जो पैसा रहता है सिर्फ वही लिया जाता है। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज आपसे लिया जाता है। ठीक है, अगर आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आपके जो कैश ऑन डिलीवरी वाली प्रॉब्लम है वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो ही जाएगी। चलिए, दूसरा पॉइंट ये है जो कि आपके एड्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, इसका भी कमेंट आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके की गलती करते हैं एड्रेस भरने में। तो आपकी गलती ये होती है जब आप एड्रेस फिल कर रहे होते हैं, तो जब क्लब फैक्ट्री का जो हमारे पास प्रोडक्ट का एड्रेस का जो हमारे पास पेज होता है जहाँ पर हमें हमारा एड्रेस फिल करना होता है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी फिल करनी होती है। तो जब एड्रेस फिल करते हैं वहाँ पर गली नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, एरिया, जोन जो भी आपको भरना होता है, वहाँ पर आप क्या गलती करते हैं कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका पिन कोड आपको पहले भरना होता है, जिसके आधार पर जो क्लब फैक्ट्री का ऐप है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता है। तो कुछ एरियाज रहते हैं जो कि ज़िले या डिस्ट्रिक्ट छोटे होते हैं, उनसे बड़ा कोई डिस्ट्रिक्ट जस्ट साइड में उनके होता है। जैसे कि हमारे साइड में हमारा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें वहाँ पर नीचे छोटे डिस्ट्रिक्ट का जो डिटेल में हमें भरनी होती है। जैसे कि मैं समझाऊँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो हरदा है और हमारा इससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद है। ठीक है, तो जब हम हरदा का पिन कोड डालते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद ले लिया जाता है। फिर हमें जब एड्रेस, हमें जहाँ पर पूरा एड्रेस भरना होता है वहाँ पर हमें हरदा अलग से लिखना होता है, क्योंकि हमने जब पिन कोड डाला है तो वो हरदा का होता है, लेकिन जो क्लब फैक्ट्री ले रहा है वो होशंगाबाद का ले रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसी बात ध्यान रखना है, अगर आपके साइड में कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपके छोटे डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ, अगर आप पिन कोड डाल रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का और वो ले रहा है साइड वाले डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको जहाँ पर फुल एड्रेस रहता है वहाँ पर आपको नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है और इसके साथ भी पिन कोड आपको लिखना है, क्योंकि ऊपर आपने पिन कोड तो दे दिया, लेकिन जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट का जो पूरा एड्रेस डाल रहे हैं कि आप वो यहाँ कॉलोनी एरिया जो भी आप डालते हैं सारा कुछ फिल करते हैं, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखना है। ठीक है, ये गलती होती है। दूसरी, जहाँ पर आप पूरी तरीके से अगर प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो यार अपने लिए तो खुद के लिए तो इतना कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो ऑर्डर डिटेल होती है, यानी जो अपना एड्रेस होता है, वो कम से कम अच्छे से भरे ताकि प्रोडक्ट आने में कोई देर ना हो। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है क्लब फैक्ट्री पर, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका साइज और कलर अगर आप चेंज करते हैं तो उसका पेमेंट या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो अभी करके देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई भी शूज़ ऑर्डर किया आपने, अगर आपने शूज़ लिए हैं सात नंबर का शूज़ ऑर्डर किया और वो 1200 रुपये का, अगर आप उसका साइज़ बढ़ाते हैं 8 नंबर करते हैं और कलर चेंज कर देते हैं
तो देखिएगा वहाँ पर आपको MRP में जो भी वहाँ प्रोडक्ट का रेट रहता है उसमें आपको कम या ज़्यादा होते हुए मिलेगा पेमेंट। आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी गलती रहती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर देखते हैं, देखते टाइम आपका प्रोडक्ट का जो पेमेंट होता है वो तो आपको कम लगता है, लेकिन जब आप उसे ऑर्डर करते हैं, कन्फर्म करते हैं, जब आप फटाफट से कलर सेलेक्ट ये देख लेते हैं, जस्ट ऊपर पेमेंट आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गलती होती है जो कि आपके प्रोडक्ट की पेमेंट में आपको फिर दिक्कत देती है कि यार हमने तो इतने का ऑर्डर किया था और यहाँ पर इतने रुपए लिखे आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। तो ये होता है आपके साइज़ और कलर सिलेक्ट करने पर। तो ये आने वाली जो प्रोसेस है यहाँ पर आपकी ये गलती होती है। अब जाने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें आपको क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जब आप प्रोडक्ट वापस करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो रहा है, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट का रेट है, मान लीजिए आपको 500 रुपये का आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तो जब आप उसे वापस करते हैं तो आपका पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है क्लब फैक्ट्री के रूल्स में, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसका पूरा पेमेंट आपको नहीं मिलता है। मान लीजिए कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए 500 रुपये का प्रोडक्ट है, तो 90 रुपये आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। वो क्यों काट लिया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो वहाँ से यहाँ से लाने तक का जो किराया होता है वो आपसे वसूल कर लिया जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट वापस कर रहे हो तो उसका जो लाने और ले जाने का किराया है वो आपसे वसूल कर लिया जाता है। जो भी प्रोडक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट काट लिया जाता है। जैसे 500 रुपये पर 90 रुपये काट लिए जाएंगे तो आपको सिर्फ मिलेंगे 410 रुपये। ये सब चीज़ मैंने खुद ट्राई किया, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिएगा। पाँचवा जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट ये है कि अगर आप क्लब फैक्ट्री का प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे पूछ रहे हैं कि यार उसे पैक करके देना है या वापस उसी पैकेट में पैक करके देना है। तो सुनिए ध्यान से, जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसे खोलकर देखते हैं, ठीक है, कि यार सही प्रोडक्ट है या नहीं। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट वापस करना हो तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो वापस आता है और आपका प्रोडक्ट आपसे मांगता है कि यार भैया जो भी प्रोडक्ट है उसे वापस करना है वो मुझे दे दीजिए। तो जैसे ही वो आपसे लेता है तो उसी टाइम वो चेक करता है कि आप जो प्रोडक्ट है वो क्या वापस कर रहे हैं, ठीक है, सारी डिटेल्स आपसे मांग लेता है। वैसे तो लिखी रहती है जो बिल हमें दिया जाता है वो भी वापस करना होता है, लेकिन आप उसे कुछ एक्स्ट्रा तरीके से पैक ना कर दें, वो टेप वेप लगा कर बिल्कुल एक कार्टून बनाकर उसे ना रखें, क्योंकि जो बंदा आता है लेने वो खुद भी उसे चेक करता है, उसके बाद ही वो आगे ले जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके क्लब फैक्ट्री के ऐप के स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोग बहुत परेशान हैं, यार हमारा प्रोडक्ट अभी तक पहुँचा ही नहीं है, वापस पहुँच गया, पेमेंट नहीं आया। तो ये सारी जानकारी आपको क्लब फैक्ट्री के जो ऐप है उसके स्टेटस में आपको बिल्कुल देखने को मिल जाती है। आप इतने भी ना समझ नहीं कि आपको इतनी सी जानकारी देखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सारी जानकारी क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड जब मैं देते आ रहा हूँ, और भी आगे कुछ भी अपडेट होंगे तो सारी जानकारी मैं देते ही रहूँगा। तो कुछ ऐसे सवाल मेरे से ना कीजिए जो कि आपके समझ में ना आ रहे हों। आप वहाँ पर घूम रहे हो, आप क्लब फैक्ट्री के ऐप में घूम रहे हो, वहीं के वहीं घूम रहे हो और आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी, यार कम से कम इतना तो करो कि कुछ बात आपको समझ में आ जाए, आसानी से उसे समझने की कोशिश करो। हर बात मुझसे पूछोगे तो मैं हर बात का जवाब नहीं दे पाऊँगा। हाँ, कुछ अगर कंडीशन ऐसी होती है कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है तो मैं वहाँ पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। तो आप इन गलतियों को ना करें प्रोडक्ट बुलवाने में और वापस करने में। तो क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड ये वीडियो आज हमने बनाई थी, जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, गलतियाँ जो आपके द्वारा की जाती है, फिर बाद में मुझसे कमेंट करके पूछा जाता है कि यार इसे कैसे सॉल्व करें। तो ये आपकी खुद की गलती होती है, इसमें या तो क्लब फैक्ट्री वाले की भी गलती नहीं है और किसी दूसरे बंदे की भी गलती नहीं, क्योंकि आपने उससे पूछ के तो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया है। आप खुद से ही अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लें और उसे वापस करने में या बुलवाने में बिल्कुल सही जानकारी दें और सही तरीके से प्रोडक्ट को लें और उसे वापस करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।